हेलो हाय मु विष्णुप्रिया आपमनकु स्वागत करूछि पुणी एक नुआ टॉपिक सहित आशा करूछि आपण माने समस्त भलरे थिबे तबे चलंतु आरंभ करिव आजर वीडियो मांगोडिक दोष कोण ज्योतिष शास्त्र अनुसार जातक रे मांगोड दोष को मांगोडिक दोष कहा जाय। मंगलक स्थिति रे आधार रे मांगोडिक दोष निर्भर करिथाय। जातक रे मांगोडिक दोष जानिला परे मनुष्य डरि जाय कारण यह वैवाहिक जीवन उपर बहुत खराब प्रभाव पकाई थाए। विश्वास करा जाए जे जो व्यक्तिर जातक रे मांगोडिक दोष थाए से व्यक्ति मांगोडिक दोष थिबा जातक ही विवाह करबा उचित जहां वैवाहिक जीवन सफल होइथाय। किपरि सृष्टि हुए मांगोडिक दोष। मंगल दोष बहुत प्रभावशाली अटे। मंगल ग्रहक उभय स्थिति और दृष्टि सांघातिक प्रभाव पकाई। वैवाहिक जीवन उपर मंगल दोषर प्रभाव अधिक पड़े तेणु बहुत पूर्व जातक मेड़क कर मंगल दोष को विचार करा जिबा आवश्यक। जातक मंगल ग्रह प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव रहिले मंगल दोष सृष्टि हुए। यही प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल रहिले विशेषकर वैवाहिक जीवन उपर प्रभाव पकाई थाए। मांगलिक दोष थिबा जातक को विवाह रे बाधा सृष्टि हुए काहेकि मांगलिक दोष थिबा जातकर विलंबरे विवाह हुए कारण मंगल ग्रह एकुटिया रहिबा को पसंद करंती। अन्य ग्रहक सहित रहिले झगड़ा करंती। मंगलक स्वभाव हेतु जातकर जीवन साथी सहित समस्या सृष्टि हुए। प्रभावित जातक मंगल ग्रह को युद्धर देवता कह जाए कारण अन्यठार दूर से एकुटिया रहा पसंद करमर प्रवृत्ति क्रोध भाव अटे। यही मंगल ग्रह प्रभाव में जातक क्रोधी लड़े झगड़ा बहुत बदयुक्त होता। जातक निजर यह स्वभाव ठार जिते दूरे रे कि ना कि परिस्थितर सामना करने को पड़ता है। जेकोसी कारण व्यक्ति क्रोध जनित समाधान करने को पड़ता है। जातक चिड़चिड़ा और झगड़ा को पसंद कर। प्रभाव बहर विलंब होगा और बहुत संबंध ठीक होगापर बहुत भांगि जावा बहुत समय बाधा विघ्न देखादे बहुत पर जीवनसाथी सहित झगड़ा होगा और संबंध में तिक्तता आसवा वैवाहिक जीवन में दुख पाइबा अजथा कथार क्रोध करने मांगलिक दोषर प्रभाव में जातक क्रोधी और अहंकारी झगड़ाड़ू होता। उपाय प्रथम उपाय मांगलिक दोष थे जातक मांगलिक दोष थी जातक सहित बहुत करवा उचित। एथिरे वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोषर प्रभाव कम होता है। द्वितीय उपाय जदि मांगलिक जातक अन्य मांगलिक दोष नथिबा जातक सहित बहुत करने को इच्छा करे तेबे मांगलिक जातक को अशुस्थ वृक्ष बहुत कुंभ बहुत शालग्राम बहुत मंगल जंत्र पूजा करवा किंबा बगड़ामुखी जंत्र पूजा करवा उचित। यही उपाय मांगलिक दोषर प्रभाव दूर हो जाए। तृतीय उपाय मांगलिक दोष जातक श्री हनुमान चालीसा पाठ करिबा श्री गणेश को पूजा करिबा ओ मंगल जंत्र पूजा करिले लाभ मिलता है। चतुर्थ उपाय प्रत्येक मंगल दिन व्रत रखिबा सह श्री हनुमान मंदिर को जीवा उचित। यह करिबा द्वारा मंगल प्रभाव कम होता है। पंचम होची जदि मांगलिक दोष थिबा कन्यार विवाह मांगलिक दोष नथिबा व्यक्ति सहित हुए तेबे एही दोष निवारण हेतु मंगला गौरी और वट सावित्री व्रत करिले सौभाग्य प्रदान करिथांती। षष्ठ उपाय महामृत्युंजय मंत्र जप करिले सब कष्ट निवारण होइथाय। सप्तम उपाय प्रत्येक मंगलवार दिन व्रत रखिबा सह प्रत्येक मासरे थरे मंगला मंदिर को जाई माँ को दर्शन कर किछि भोग लगाइले और पिलामानंकु बांटिले एहा द्वारा मंगलंक प्रभाव कम होइथाय। अष्टम उपाय सबुपरि उपरोक्त विधान करबाकु अक्षम हेले प्राण प्रतिष्ठित संपूर्ण बगड़ामुखी जंत्र सारा जीवन पूजा करि चलिले मंगल देश
ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଂଶିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦଶ। ଏହି ଦଶ ଜାତକର ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ପୂଜା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଶ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଏକାଧିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଡବଲ ବା ଟ୍ରିପଲ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗଡ଼ାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଚାଲିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିବାହ ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ବା ଘଟ ବିବାହ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ମାଙ୍ଗଳିକ ଜାତକର ଏକ ମାଟିର କଳସ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ବିବାହ ପରେ ଏହି ମାଟି ଘଟକୁ ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ଏକାଧିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କିଭଳି କରିବେ ତାହାର ସହଜ ଉପାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।